हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा डिमांड आप लोगों की तरफ से किया गया, तब जाके मैं बना रहा हूँ इस वीडियो पे टॉपिक, क्योंकि बहुत जन को कन्फ्यूजन था इस चीज पे। टॉपिक क्या है? व्हाई डज आरसीसी स्लैब क्रैक्स आफ्टर वन डे ऑफ कास्टिंग। आप देखते होंगे जब स्लैब पे आप कास्टिंग कर रहे हो, कास्टिंग कर दिए, करके जब जा रहे हो तो 5-6 घंटे बाद जब आप आए तब आप देख रहे हो कि आपका स्लैब में जो है वो क्रैक्स आ चुका है। आज आप कास्टिंग किए, कल जब साइट पे आप वापस आए तब देख रहे हो हेयर क्रैक्स डेवलप हो गया है वहां पे, ठीक है, बहुत सारा, जैसा आप फोटो में भी देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्रैक्स आता है इसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, ठीक है? क्या इसको हम लोग रोक सकते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा पॉसिबल रेमेडी क्या है? इसको हम लोग रोकेंगे कैसे? पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? क्या क्या चीज पे हमको ध्यान देना है? क्या ऐसा करने से अगर ये क्रैक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा छत टूट जाएगा? क्या ऐसा कुछ बात है या नहीं है? तो इन सभी चीज पे जो भी डाउट है आप लोग का, सारा चीज मैं टॉपिक पे कवर करूंगा। तो एक एक मैं रीजन बताऊंगा क्या क्या पॉसिबल रीजन है इसका, जिससे ये क्रैक डेवलप हो रहा है, हमें वो सब चीज नहीं करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सब चीज बताऊंगा उसी पॉइंट के साथ साथ। आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉसिबल रीजन है जिसके वजह से क्रैक आता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है, जो पॉसिबल रीजन वो है टेम्परेचर। कहाँ का टेम्परेचर? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, ठीक है? दो जन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअली दो नहीं तीन टेम्परेचर, मैं तीनों कवर करूंगा यहाँ पे। एक तो देखिए एनवायरनमेंट का, आसपास का जो वेदर है, जिस वेदर में आप लोग कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो वो वेदर बहुत वाइटल होता है आपके कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो कभी भी आप जो कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा गर्मी है तब जाके मत कीजिए, कोशिश कीजिए बच जाने का, ठीक है? आप कोशिश कीजिए जब शाम हो जाए, जब टेम्परेचर एनवायरमेंट का है ना वो थोड़ा डाउन हो जाए, ठीक है? उसके बाद शाम को 5 बजे से 4 बजे से आप फास्टिंग करना चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है कि अगर इतने बजे लोग कर रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है। और भी बहुत सारा पॉसिबल रीजन है, पॉसिबल कॉजेज है जो बताऊंगा मैं, ठीक है? तो एक तो हो गया आप कोशिश करो कॉन्क्रीटिंग रात को करने का। तो टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्रैक लाता है। कैसे लाता है अब ये जान लेते हैं, रीजन कैसा है। देखिए ये आपका स्लैब है सपोज, ये आप कॉन्क्रीट कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज्यादा हीट है सन का, ठीक है? जब आप कॉन्क्रीटिंग किए ना, कॉन्क्रीटिंग किए तो धूप बहुत ज्यादा है, तो धूप का एक स्पेशलिटी क्या है, वो क्या करेगा, पानी को सोखना चालू करेगा, सोखना चालू करेगा, एवापोरेशन टेक प्लेस लेगा वहां पे। एवापोरेशन टेक प्लेस लेगा, इसका मतलब क्या है, इस कॉन्क्रीट में जो भी पानी था वो पानी उड़ के चला जाएगा ऊपर, मतलब एवापोरेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है? कॉन्क्रीट से पानी निकलता जा रहा है, पानी जैसे ही निकलेगा ना एक चीज वहां इस कॉन्क्रीट में डेवलप करेगा, वो क्या करेगा, प्लास्टिक श्रिंकेज, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिक श्रिंकेज वहां पे आना चालू कर देगा। और जब श्रिंक होना चालू हो जाएगा ना तब क्रैक डेवलप करना चालू हो जाएगा। श्रिंकेज मतलब देखिए क्या बोलना चाहता हूं मैं, ये एक सोच लीजिए कॉन्क्रीट है, ठीक है? ये एक बॉक्स है कॉन्क्रीट से, मैं इसको भर दिया, अब इसमें पानी जो था वो एवापोरेट होकर निकल गया। किसी चीज से जब पानी निकलना चालू हो जाता है ना तो वो चीज क्या होता है, श्रिंक होना चालू हो जाएगा, मतलब चपकना चालू हो जाता है। सपोज मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पे ये कॉन्क्रीट का, ये कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट, मैं पार्ट पार्ट बांट दिया, टोटल कॉन्क्रीट से ही भरा है लेकिन पार्ट पार्ट में बांट दिया। अब इनके बीच से जो पानी जो था, ठीक है, वो पानी जब एवापोरेट हो गया ना तब ये कॉन्क्रीट का टेंडेंसी रहेगा इधर चले जाने का, ये कॉन्क्रीट टेंडेंसी होगा इधर जाने का, इसका टेंडेंसी होगा इधर, इसका टेंडेंसी इधर, मतलब एक दूसरे से आपस वाले जो मेंबर है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो सब कॉन्क्रीट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ना, श्रिंक होना चालू हो जाएगा। ये हाथ देखो, दो हाथ पास पास में है, ये श्रिंक हुआ मतलब ये एक मुठ्ठा बन गया, ये श्रिंक हुआ मतलब ये मुठ्ठा हो गया, बीच में गैप आ गया, ये गैप ही वो क्रैक है, समझ गए? ये श्रिंक होकर उधर चला गया, ये श्रिंक होकर उधर चल गया, बीच में ही गैप गैप हो गया, तो ये है प्लास्टिक श्रिंकेज, समझ गए? तो ये गैप ही ये क्रैक डेवलप करता है और हेयर टाइप का क्रैक दिखता है। तो पानी नहीं निकलना है, पानी निकल गया मतलब क्रैक आना ही आना है, ठीक है? तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे टेम्परेचर में करो जो थोड़ा ठंडा हो, एकदम गर्मी वाले टेम्परेचर में मत किया करो, ठीक है? उसके लिए बहुत सारा रीजन है,
कॉन्क्रीट को हम लोग क्या करते हैं, बर्फ डाल के ठंडा करते हैं जब उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो। ठीक है, वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग टेम्परेचर, वहां भी टेम्परेचर, ये किसका टेम्परेचर, कॉन्क्रीट का टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्क्रीट का टेम्परेचर ASTM जो कोड है वो क्या बोलता है, 26.7 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री के बीच कॉन्क्रीट का टेम्परेचर होना चाहिए। 35 डिग्री से ऊपर जैसे ही कॉन्क्रीट का टेम्परेचर जाएगा, उसमें आपको आइस डालना होगा, बर्फ डालना होगा उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया, टेम्परेचर ज्यादा होने से ही मतलब उसका, समझ रहे हो ना, पानी निकलना चालू हो जाएगा, वहां पे एवेपोरेशन टेक्स प्लेस लेगा, एवेपोरेशन होगा मतलब वहां पे श्रिंकेज होगा होगा, समझ गए। तो कॉन्क्रीट का टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा 26.7 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं एनवायरमेंट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्क्रीट का टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भी AS कोड है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कोड जो है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं, उन लोग क्या फॉलो करते हैं, 5 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री से 40 डिग्री, ये AS कोड जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड है वो लोग फॉलो करता है ये चीज। ठीक है, तो कॉन्क्रीट का टेम्परेचर इसके बीच में होना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, हम लोग जनरली ASTM को फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब जो सबसे बड़ा मेन रीजन है जो हेयर क्रैक्स का, वो रीजन क्या है, देखिए, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, ये अगर ज्यादा हो गया ना तो ब्लंडर हो जाएगा। हम लोग साइट पे जब कास्टिंग करते हैं तब क्या देखते हैं, कास्टिंग करते वक्त जो मिस्त्री लोग काम करता है, जो मेशन लोग काम कर रहा है, उन लोग देखता है कि कॉन्क्रीट जो है बहुत टाइट आ रहा है, टाइट टाइट कॉन्क्रीट जो होता है उन लोग को प्लेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उन लोग बोलता है अरे पानी भरा पानी भरा। ठीक है, अब उनका सुन के, अगर आप सुपरवाइजर हो या क्वालिटी इंजीनियर हो, उनका सुन के अगर आप बोल दिए कि पानी भरा दो, तो पानी बढ़ा देने से क्या होता है, उन लोग को तो बहुत आराम है, कॉन्क्रीट को जल्दी प्लेस कर देगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉन्क्रीट में। ठीक है, रीजन बताता हूँ, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से एक प्रॉब्लम क्या होता है, सेग्रीगेशन का तो वो पार्ट है ही, सेग्रीगेशन का वो अलग रखते हैं, अभी मेन चीज क्या है, ये कॉन्क्रीट है, आप देखोगे ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग का मतलब खून निकलना नहीं, खून ही एक तरीके से पानी का खून निकलना, कॉन्क्रीट का भी खून निकलता है पता है, पानी के रूप में। ठीक है, तो कॉन्क्रीट के ऊपर देखोगे एक पानी का सरफेस पूरा जमा हो जाता है, जब आप वाइब्रेटर से वाइब्रेटिंग करके चले गए, चलते चलते चला गया उधर। ठीक है, तो आप पीछे से देखना, जब आपका जो सरफेस जो है पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, पूरा कॉम्पैक्शन से हो चुका है, तब देखना धीरे धीरे जो पानी है ना वो ऊपर आना चालू हो जाता है, ये ब्लीडिंग कहलाता है, वो नहीं होना चाहिए आपके कॉन्क्रीट में, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब ब्लीडिंग आप देख रहे हो तो उस जगह पे आपका आना ही आना है क्या, हेयर क्रैक्स, मतलब क्रैक्स डेवलप होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर आया, धीरे धीरे स्लरी भी आपको ऊपर आया है, समझ गए, वहां पर क्रैक्स आएगा ही आएगा, ये श्योर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने से बचना है, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो डिजाइन करके आपका दिया गया है वो डालना ही डालना है। ठीक है, आप किसी का सुन के पानी जब तक मत बढ़ा देना उसमें। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया वाटर सीमेंट रेशियो। अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो वाइब्रेटर से हम लोग वाइब्रेटिंग करते हैं ना, कॉम्पैक्शन करते हैं जिसका, कॉन्क्रीट का, ठीक है, वो एक्सेसिव कर दोगे तो क्रैक्स आएगा ही आएगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन करने से रीजन प्रॉब्लम क्या होता है ये देखिए, सपोज ये एक स्लैब है या कुछ भी है, बीम कुछ भी मान लो, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट जो भी है, इसके अंदर कॉन्क्रीट आपका भरा हुआ है। ठीक है, जब आप ऊपर से वाइब्रेटर से वाइब्रेटिंग करते हो ना, ज्यादा वाइब्रेटिंग ज्यादा कर दोगे तो आपका ऊपर में जितना भी आपका कोर्स एग्रीगेट है, पत्थर वगैरह है, वो सब क्या होगा, नीचे आपका आके सेटल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नीचे आके सेटल हो जाएगा सब, और आपका जो फाइन एग्रीगेट है वो सब क्या होगा, धीरे 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 ऊपर जाके जमना चालू हो जाएगा। इससे क्या हुआ, ऊपर का पार्ट जो है ना वो थोड़ा कमजोर हो गया, बट नीचे तो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोई चलेगा, लेकिन ऊपर वाला देखो सारा आपका जो फाइन एग्रीगेट है वो ऊपर जाके चला गया, ये सही नहीं है, ये गलत है, और ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है आपके क्रैक्स का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइब्रेटर उतना ही मारो जितना जरूरत हो, समझ गए। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे वाइटल है वो सिल्ट प्रेजेंट इन सैंड। हम लोग जो सैंड यूज कर रहे हैं, जो बालू यूज कर रहे हैं, उसमें अगर सिल्ट प्रेजेंट है,
सिल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? सीमेंट के साथ उस सैंड का बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा मतलब वो बन चपक नहीं पाया, चपक नहीं पाया मतलब क्रैक होगा ही होगा, समझ गए मेरी बात? देखिए ये कॉन्क्रीट है, ये सपोज मान लो ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूं ये सैंड पार्टिकल्स है, बस इसमें सिल्ट भी आपका बहुत सारा है, ठीक है? तो सिल्ट अगर बालू के चारों तरफ लगा हुआ है तो जो सीमेंट पार्टिकल्स है वो किसके संग मिलके बॉन्डिंग बनाते हैं? सैंड के साथ मिलके बनाएंगे, एग्रीगेट के साथ मिलके बनाएंगे। तो सैंड के साथ जब वो मिलना चाहेगा तो वो तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिल्ट सैंड के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? सिल्ट लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है जिसके वजह से हमारा क्रैक डेवलप होता है, ठीक है? बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुआ मतलब क्रैक आना ही है, ठीक है? तो सिल्ट प्रेजेंट सैंड में आप देख लीजिएगा नहीं हो, ठीक है? ये प्रॉपर चेक करना है, इसका टेस्ट होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बोलिएगा, मैं उसमें वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर एंड फ्री फ्रॉम लुब्रिकेटिंग ऑफ स्टील। देखिए स्टील का आपको टेम्परेचर भी चेक करना है, अगर हॉट वेदर में आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो तो स्टील बहुत ज्यादा गर्म है, कॉन्क्रीटिंग करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन का जो चांसेस रहता है उससे क्रैक आने का चांसेस बढ़ जाता है, वो तो एक हुआ ही। और एक देखिए लुब्रिकेशन नहीं होना चाहिए स्टील पे, मैं बहुत जगह देखा हूँ शटरिंग ऑयल जब लगाते हैं प्लाईबोर्ड पे, बहुत जगह ये भी देखिएगा बाद में गैप कुछ फिलअप करने के लिए स्टील बसा हुआ है उसके बाद जाके वो शटरिंग ऑयल कर रहे हैं। शटरिंग ऑयल अगर आपका रेनफोर्समेंट पे लग गया ना तो वहां पे बॉन्डिंग नहीं पकड़ेगा आपका स्टील का, बहुत वाइटल पॉइंट है देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ये चीज पता नहीं होता है सबको। स्टील में अगर कोई भी लुब्रिकेटिंग चीज ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब चीज अगर स्टील में लग गया है तो उसको अच्छा से पोछो धो जो भी करके इसको साफ करो, क्योंकि वहां पे कॉन्क्रीट जब जाएगा ना तो कॉन्क्रीट का बॉन्डिंग होगा ही नहीं उसमें, ठीक है? तभी तो हम लोग जब भी फॉर्मवर्क करते हैं एल्युमिनियम फॉर्मवर्क तो हम लोग ग्रीस व्रीस का यूज करते हैं ताकि चपक ना जाए, जो बीच में हम लोग स्लाइडर यूज करते हैं, ठीक है, जो टाई बार यूज करते हैं उसमें हम लोग ग्रीस यूज करते हैं ताकि वो निकल जाए, समझ में आ गया? या देख लीजिए जो हम लोग क्यूब मोल्ड फिलिंग करते हैं ना उसमें भी हम लोग ग्रीस यूज करते हैं ताकि क्यूब आराम से निकल जाए, समझ गए, चपकेगा नहीं। तो ये याद रखिएगा कोई भी स्टील पे कुछ लगा हुआ ना हो, ठीक है? अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये मुझे बाद में याद आया इसमें बाद में मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंस इन स्लम। अब बहुत बड़ा एक मास वॉल्यूम का कॉन्क्रीटिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा स्लैब है और कॉन्क्रीटिंग हो रहा है वहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं स्लम चेक करते हैं कॉन्क्रीटिंग के समय में। अब देखिए डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्लम में बहुत ज्यादा, सपोज जैसे हम लोग जो स्लैब यूज करते हैं पंपेबल के लिए तो कितना काम लोग स्लंप रखते हैं, 120 से 140 150 मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है? तो एक बैच ऐसा गया जिसमें हमारा स्लंप था 120, एक बैच ऐसा था जिसमें चला गया 150, तो ह्यूज इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्लंप का। अलग अलग बैच में अगर डिफरेंस है स्लंप में तो क्रैक आना डेवलप का ये पॉसिबल चांसेस है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, ठीक है? तो ये देखिएगा डिफरेंस इन स्लंप ये ना हो ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज करना भी आपका मतलब सीमेंट को जो चुनना है ना काम के हिसाब से, कैसा काम आप कर रहे हो, पानी के नीचे काम कर रहे हो या हॉट वेदर में काम कर रहे हो, कैसे के वेदर में, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको सीमेंट का चुनाव करना है, ठीक है? देखिए जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई है ऐसा सीमेंट से क्रैक आना एकदम लाजमी है, क्रैक्स आएगा ही आएगा, ये देख लीजिएगा। तो आपको कब पानी के अंदर है तो ये सब ठीक है, जहां पे जल्दी हम लोग को सेटिंग टाइम चाहिए, जल्दी सेट करना है तो वहां सब ठीक है, लेकिन स्लैब लैब में हीट ऑफ हाइड्रेशन जिस सीमेंट का बहुत हाई है उसको यूज मत करना वरना क्रैक्स आएगा ही आएगा, ठीक है? और क्रैक्स का एक बहुत बड़ा रीजन देखो ये चीज चेक करो, क्रैक्स मतलब क्या, आपका पूरा बिल्डिंग को फेलियर कर सकता है, आपका स्टील में कोरोशन मतलब रस्ट पैदा कर सकता है, कैसे? ये देखिए ये स्लैब है, ये सोच लीजिए सेक्शन में काट रहा हूँ, ये क्रैक है और यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट सब गया है, अगर क्रैक डेवलप हुआ ना मतलब स्टील को ऑक्सीजन अगर मिल गया, हवा मिल गया अगर, तो हो गया उसका पल्लावार, अब क्या होगा उसमें रस्ट आएगा ही, क्रैक है मतलब यहां से हवा पानी घुसेगा, जैसे ही हवा पानी घुसा इस स्टील को हवा मिला, इस स्टील को हवा मतलब यहाँ पे इसका रस्ट लगना चालू हुआ, अगर यहाँ रस्ट लगना चालू हुआ ना तो ये धीरे धीरे अपने आप में अंदर में रस्ट लगना चालू कर देगा, जो स्टील आप लोग देखते हो कि काला काला हो गया है, रस्टेड हो गया है, पुराना जितना बिल्डिंग होता जा रहा है, क्यों? ये सब क्रैक्स की वजह से ही होता है, क्रैक्स की वजह से इस पर रस्ट आना चालू होता है और धीरे 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 वो सारे स्टील में फैलता है, क्यों? सब स्टील तो इंटरकनेक्टेड है एक साथ, करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे अभी याद आ रहा है वो बता दूं,
स्टेजिंग नॉट प्रॉपर डन, स्टेजिंग जो किया हुआ है आपका, जो स्लैब कास्टिंग हो रहा है, तो उसके नीचे जो आपका फोर फोल्डिंग स्कैफोल्डिंग जो भी किया हुआ है, वो जो अगर प्रॉपर नहीं किया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं बहुत बार उसको स्टेजिंग को सपोर्ट देने के लिए नीचे सैंड का कुछ भी हम लोग बस्ता उस्ता रख देते हैं, कुछ भी हल्का टाइप का रख देते हैं, जिसपे अगर ऊपर से वेट आए, वेट आने की वजह से वो क्या होता है, क्रैक होने का चांसेस रहता है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो आप लोग बचिएगा, ऐसा सपोर्ट जो है प्रॉपर फिक्स कीजिएगा ताकि वो हिले डुले नहीं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर सपोर्ट चेक करना ही करना है, ठीक है। और शटरिंग मटेरियल टेम्परेचर, प्लाई अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप शटरिंग मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील का जो बना हुआ रहता है हम लोग का, स्टील का जो शटरिंग होता है, स्टील शटरिंग, वो सब अगर शटरिंग यूज कर रहे हो तो अगर हीट में बहुत ज्यादा गर्मी हो चुका है और उस वक्त आप कॉन्क्रीट कर रहे हो, तो वो गर्मी से भी क्रैक डेवलप आपको दिखता है बहुत बार। ये सब बहुत माइनर होता है, ये पॉसिबल रीजंस है, ठीक है। तो ये आप सबको देखना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताते हैं कि स्लैब में क्रैक्स क्यों आता है, ठीक है। ताज्जुब की बात है ना, हम लोग स्लैब को भी कास्टिंग ही किए हैं, ऊपर से कोई लोड भी नहीं डाले और उस पर क्रैक आ गया, क्यों? तो ये सब वो रीजन है जो आपको इंटरव्यू में जवाब देना है। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वीडियो मैं जब भी वीडियो डालूंगा वो ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा, ठीक है। आपको मेरे पास उसके लिए नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो वीडियो था ही, साथ में ये सारा आर्टिकल है, ये क्या करूंगा मैं मेरे वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिल जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दो ब्लॉग है, civilofficial.com, learningtechnologyofficial.com, दोनों पे चले जाओ और जाकर आप क्या करो, पढ़ लो उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे जो मैं लिखूंगा इसमें तो बहुत डिटेल में लिखूंगा, ताकि और भी सारे पॉइंट्स जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे वो सब भी कवर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।